आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। सभी से निवेदन, कृपया गुरुदेव के कुर्सी में बैठने से पहले अपने अपने शूज अपने चलो यहाँ पर निकलना भी कब रखवा ली पाल फिर मैं बैंड केक पर तो देंगे। सभी से निवेदन है दूसरे परिवार के स्टोर पर जाकर सभी अपना अपना बैंड हाथ में बंधवा लेना। वो नाश्ता पहले ले ले मेरा एक और भी मेरे पास ही है। जिन्होंने नाश्ता अभी तक नहीं किया है उनसे पूरा निवेदन के पे वो जल्द से जल्द नाश्ते कर ले और उसके बाद अपने हाथों पर बैंड बंधवा ले पेटों से ही। सभी से निवेदन पैंट हाथ में ना रखें कृपया वो अपने हाथों पर बांध लें बंधे हुए हाथ में ही इनाम मिलेगा हाथ में रखने वाले को नहीं मिलेगा।
दूसरे परिवार के जो भाई पंडाल स्टोर पर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बैंड को हाथ में ना दे, बांध कर नहीं दे, मिसयूज ना हो, सभी से निवेदन वो कृपया अपना जो मेरे बंधु जूते में आगे प्रोचन स्थल पर बैठे हैं उनसे निवेदन कृपया वो सभी व्यवस्था में सहयोग दें। कुछ भाई जबरदस्ती वहां से थे, चाचा बैंड लेकर आ रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं है, एक एक बैंड ही अपने हाथ पर बुलवा कर ही आए। इधर राइट हैंड को गुरुदेव के राइट हैंड को पहले बैठे थी और लेफ्ट को भाई बैठे थे, जो भाई पहले के साथ बैठे उनसे निवेदन है कृपया वो मानव को अधिकार है गर्मी हो चाहे बारिश हो दुख खुद भूखे रहते हैं पिता पर भर पेट हमको खिलाते हैं खुद भूखे रहते हैं पर बोले पूज्य गुरुदेव जी महाराज की गुरु अमृत सागर ऋषि सागर भर ले हम गुरु गुरुवर का लगता नंदन वन है
बस आपकी वो डालिए चम्मच है चटनी पत्नी प्रकटी थी मेरी पर मैं उड़ता रहा प्रकटी थी मेरी पर मैं उड़ता रहा सो हम स्टार्ट करना चाहेंगे लैंप से. अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एंड अमेजिंग लैंप्स हैं जो कि आपके घर को बिल्कुल रोशनी से भर देंगे. डजंट मैटर कि दिवाली है लेकिन आपका घर हमेशा दिवाली की तरह खुशियों से भरा होना चाहिए. एंड साथ ही साथ बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है, कॉटनीज है, मतलब वो सारे साधनों का यहाँ पे बिल्कुल यू नो प्रोविजन है जो आपके घर को सुंदर और साथ ही साथ बहुत ही अट्रैक्टिव तो बनाएगा ही. और साथ ही साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो सच में मंदिर है. मैं सभी खूबसूरत चेहरे को फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. आप सभी ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, स्पेशली द यंग जनरेशन पीपल मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और आज की खूबसूरत से दिन आप सभी के नाम है, बहुत सारी अमेजिंग बातें तो हम सीखेंगे ही. बहुत ही यू नो खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे लगी हैं स्टॉल्स में और लेमन ट्री नाम की स्टॉल है. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि एक बार आके आप ज़रूर चेकआउट करें. तो अब टाटा के तरसी के स्टॉल के बाद आगे बढ़ते हैं और आशीष जैन जी का ये स्टॉल आप जरूर एक बार विजिट करें. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाटा शक्ति गर्व से जियो. आफ्टर दैट कांच की बोतल में पैक करके भी इंटरेस्टिंग स्टॉल doodhwale.com. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब स्टॉल्स पर आप एक नज़र डालें और इस समय मैं खड़ी हूँ doodhwale.com पर. तो इनका ये कह रहे हैं कि इनके पास अपनी ही पाली हुई 5:30 to 9:30 तक ये दिल्ली और NCR में अपना दूध सप्लाई करते हैं कांच की बॉटल में हाइजीनिकली पैक करके. बहुत उम्दा doodhwale.com के बाद आगे बढ़ रहे हैं और गुरु सेवक परिवार. हाँ जी जय जिलेंद्र जी. मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब इसमें कम से कम कुल एक जबरदस्त चीज है, पकाई भी रखी है. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg हर पैक. और उड़ान ऐप पे भी आप इसे खरीद सकते हैं. ऑनलाइन भी इसकी बिक्री हो रही है और चावल की क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर पका कर भी इन्होंने सैंपल भी रखा है जी. तो सैंपल भी आप देखिए, बहुत अमेजिंग प्रीमियम क्वालिटी है राइस की. और स्टॉल जरूर विजिट करें, महावीरा राइस वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टॉल है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गर्ल्स वेयर भी है और यहाँ पर और भी बहुत सारी वैरायटी दिख रही है. और कम कर लेना आज.
और मैं तैयार जल्दी जल्दी आगे बढ़ो बाल सही क्या चाहिए इस प्रोग्राम के साथ हम शुरुआत कर चुके हैं और सौरभ जी से निवेदन है आइए करें इसे और खूबसूरत बनाएं, एक मीठी सी शुरुआत सब तक पहुंचाएं। सौरभ जी अपनी वाणी में आपसे कुछ शेयर करते हुए कुछ साझा करते हुए मंच पर आए और मंगलाचरण के साथ एक बहुत ही प्रेमपूर्ण शुरुआत करें। चलो जा। आशीष जी बड़ौक वाले उपकारी अरिहंत प्रभु, भव भव के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी स्तुति गुणगान कर रहा हूं। आप मेरी भावना साकार करें और मुक्ति पद का पथिक बनावें, बस यही मेरी अभ्यर्थना है। मैंने पूर्व पुण्य से यह मनुष्य भव पाया है। मैं आपके चरणों की सेवा करके जन्म मरण के चक्कर मिटाने के लिए आपके द्वार पर आया हूं। मेरे भयंकर कर्मों को चकनाचूर करो। मंगलम भगवान वीरो
मंत्रों का सरताज
चुनी जतीरा होता उसका ही भर पार ये तो सच है कि नंकार बहुत तो नवकार मंत्र के साथ एक बहुत ही मीठी सी शुरुआत की आशीष जी ने। ये तो सच है कि नवकार है, इसे जो भी जपे रात दिन उसका ही भव पार है। अब आगे बढ़ते हैं और इस जो चारों तरफ के जश्न को, क्योंकि आज मैं इसे सेलिब्रेशन ही कहूंगी, आज इसे मैं जश्न ही कहूंगी, जहां पर पूरा गुरु सेवक परिवार आज गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सब हम बैठे हैं और एक दूसरे से सहयोग ले भी रहे हैं, उन्हें सहयोग दे भी रहे हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज IRAS, जो दोस्तों आप सभी को बता दें, सभी मित्रों, कि बच्चों को काउंसिल करते हैं और भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए और मार्ग खुल सकते हैं, इसकी जानकारी वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बहुत अच्छा ये सोशल सर्विस का वो कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमान सुलेख जैन जी से कि वो कृपया मंच पर आए और सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत सुलेख जैन जी, बहुत बहुत स्वागत। GSP के वार्षिक सम्मेलन में आए हुए सभी गुरु भक्त श्रावक और श्राविकाओं को मैं नमन करता हूं। आज GSP के वार्षिक सम्मेलन जो मिलन समारोह है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पहल है, चहल है, मस्ती है, और मेरे को एक छोटा सा काम दिया गया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, उन बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करूं ताकि वो भविष्य में अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे पद पर बने, बहुत अच्छे कार्य करे, CA बने, डॉक्टर बने, LLB करे, इंजीनियर बने, हर माँ बाप की इच्छा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे IAS बने या हर बच्चे डॉक्टर बने। हर बच्चे में कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेसिटी कैपेबिलिटी को पहचान करके, उसको विचार करके और बच्चे को उसी तरीके से मोल्ड करके हम वो बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। सिर्फ समय रहते उस बच्चे की ग्रूमिंग करनी होती है, पहले उसको पहचानना है, उसके बाद उसकी ग्रूमिंग करनी है, तो हम उसको नया मोड़ दे करके बच्चे की इच्छाओं को और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आम तौर पर ना बच्चे को पता होता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, ना पेरेंट्स को पता होता है। सब सुनी सुनाई बातें, सब दोस्तों ने बता दिया मैं तो CA बनूंगा, हाँ भी ठीक है मैं भी CA बनूंगा। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विचार बच्चों के बारे में नहीं करते हैं आमतौर पर। मेरा जो समाज है वो व्यापारिक समाज है, व्यापार की तरफ ध्यान होता है, तो व्यापार के बारे में ही सोचते हैं। बच्चों के बारे में सोचने का बहुत कम समय होता है और बच्चों के बारे में सोचने की ज़्यादातर जिम्मेवारी माँ की होती है। पिता बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, और अगर माँ समय रहते बच्चे के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में विचार करे, सोचे, तो अपनी अपेक्षाओं पर उस बच्चे को खरा उतारा जा सकता है। आज मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, मेरी सर्विसेज जो बच्चे 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, ले सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उनका कैरियर अच्छे तरीके से प्लान कर सकूँ, उन बच्चों को कैरियर में सहयोग दे सकूँ और उन बच्चों की ग्रूमिंग का रास्ता मैं पेरेंट्स को बता सकूँ। आप मेरी सेवाएँ ले सकते हैं। ये सच बात है कि अगर समय रहते हम बच्चों की ग्रूमिंग कर सकें
उसके प्लान को, कैरियर प्लान को हम चार्ट कर सकें, तो मेरे ख्याल से हम जो चाहते हैं, बच्चा जो चाहता है, बड़े आराम से उसको ले जा सकते हैं हम। हर बच्चा कल्पना चावला, डॉक्टर अब्दुल कलाम या जो भी हस्तियां हैं बड़ी बड़ी जिनके नाम उसके दिमाग में आते हैं, चाहता है कि मैं वहां तक पहुंचूं, वहां तक बनूं, वो उस मुकाम को मैं हासिल करूं। और ऐसा नहीं है कि वो हासिल नहीं कर सकता, हर बच्चा हर मुकाम को छू सकता है, सिर्फ उसको ज्ञान देने का, रास्ता बताने की ज़रूरत है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, कोई बच्चा बहुत बढ़िया चित्रकार बन सकता है, कोई बच्चा बहुत बढ़िया कलाकार बन सकता है। आपने अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुनी होगी कि वो कहीं इंटरव्यू देने गया और वो फेल कर दिया था, लेकिन बाद में आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो सदी का सबसे बड़ा कलाकार कहा जाता है उसको। तो ये प्रतिभा को पहचानने की बात है बस सिर्फ। और आज आप इतने बढ़िया सम्मेलन में आए हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि थोड़ा समय अपने बच्चों की तरफ भी दें, अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और समय रहते पहचान करके उनको अच्छा रास्ता दें, अच्छा पाथ उनको दें, ताकि वो राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए एक गौरव बन सकें और आप गर्व से कह सकें कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है और ये इस पद पर है, ये काम करता है, ये इतना बढ़िया बिजनेसमैन है, ये IAS है, डॉक्टर है। वो तभी कह पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकेंगे और उसके लिए उसी बढ़िया तरीके से प्रयास कर सकेंगे। धन्यवाद। मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बाहर पीछे मैं काउंटर पर बैठा हूँ, आप आ सकते हैं, मेरी सर्विसेज उठा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलीख जी। और जो भी बच्चे इनसे कुछ पूछना चाहे, कोई भी क्वेश्चन उनके या उनके पेरेंट्स के मन में हो, तो पीछे की तरफ बिल्कुल बैक साइड में सलीख जी का स्टॉल भी है, आप उनसे वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी अपने करियर को लेकर आपके मन में अगर सवाल आपको परेशान कर रहा हो, तो आप ज़रूर राय लें, क्योंकि इनकी राय लेने से क्या पता कुछ बहुत अच्छा आपको पता चल जाए अपने बारे में और कोई नई शुरुआत आज हो जाए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं निवेदन करना चाहूंगी एक बार फिर से, वो नंबर जिस पर आपको मिस्ड कॉल देनी है, क्योंकि इस नंबर से रिलेटेड एक एक्टिविटी अपस्टेज पर थोड़ी देर में होगी, तो उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट भी करना है। ये नंबर प्लीज नोट करें, 9599, सब प्लीज ये नंबर नोट करें, 9599661881, 9599661881। तो इस नंबर पर आपको मिस कॉल देनी है, फिर GSP परिवार का एक मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा और उस मैसेज से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर अब हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आपने नंबर मुझे आशा है नोट कर लिया होगा और इस पर मिस्ड कॉल आप अवश्य दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमान आशीष जैन जी से बड़ौत वाले कि वो कृपया मंच पर आए और उनसे अब एक भजन हम सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत तारीफ करते हैं गुरुदेव इनकी और कहते हैं कि ये हर कार्य में आगे रहते हैं, पूरा अपना सहयोग देते हैं। आइए आशीष जैन जी का अभिनंदन। और हीटर्स बंद कर दीजिए, जिनके पास व्यवस्था हो, टेंट वालों से निवेदन है कि हीटर प्लीज आप बंद कर दीजिए कृपया। धन्यवाद। मैं गुरु सेवक परिवार में आज के इस वार्षिक मिलन समारोह में पधारे हुए अपने सभी गुरु भाइयों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सभी गुरु भाइयों को, मेरे को सही 10 मिनट का समय मिला है और मेरे पास लगभग 8 से 10 पॉइंट हैं, तो मैं सभी पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं यहाँ पधारे हुए सभी गुरु सेवक परिवार के मेंबर से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि GSP को हमें एक संस्था का रूप नहीं देना है, हमें इसको एक सोच का रूप देना है, क्योंकि संस्था की एक अपनी लिमिटेशन होती है, सोच की अपनी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जो पूज्य गुरुदेव श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमें इस गुरु सेवक परिवार के गठन करने का मौका मिला है, इसकी हर सीमा को हमें पार करना है। सोच का कोई दायरा इस वजह से नहीं होता है
कि मान लीजिए मैं बड़ौद के अंदर बैठा हुआ हूँ और मुझे अपने बॉम्बे में बैठे हुए किसी गुरु भाई की मदद करनी है, तो सिर्फ उसे अपनी जीएसपी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है और बॉम्बे में बैठे हुए लगभग 10 से 15 संपर्क जो भी हमारे वहाँ जीएसपी के मौजूद होंगे तुरंत उसके सामने उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। गुरु सेवक परिवार में मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी अपना अपना दायित्व समझने की कृपा करें। जैसे कि आज का हमारा वार्षिक मिलन समारोह था, कोई भी व्यक्ति ये इंतजार ना करे अगली बार कोई प्रोग्राम होता है कि मेरे पास कोई निमंत्रण जाएगा कि मुझे कार्ड बांटने हैं उस एरिया में या किसी और एरिया में। अगर आप परिवार का मेंबर हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपना आप गुरु सेवक परिवार में इंफॉर्मेशन भेजें कि मैं फला क्षेत्र के अंदर रहता हूँ और वहाँ की कोई भी जिम्मेदारी है तो मुझे दें। जब आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी होती है तो आप उसके यहाँ तीन तीन बार फोन करके पूछते हैं कि भैया कार्ड बांटने में या किसी और जिम्मेदारी में मेरे को अग्रणी रूप में रखना। तो यही हम गुरु सेवक परिवार में विशेष अनुरोध करते हैं कि हर क्षेत्र में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने दायित्व को पूर्ण रूप से संभाले। तीसरे नंबर पे मैं सभी गुरु सेवक परिवार के मेंबर जो हैं पधारे हुए हैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये पिछले एक साल के अंदर जो भी व्यक्ति वार्षिक सम्मेलन में पधारे थे उन्होंने पिछले एक साल के अंदर क्या कार्य करा है, और जिन्होंने कुछ कार्य नहीं करा है उनसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आज इस वार्षिक मिलन समारोह में आना उनका तभी सफल होगा यदि वो यहाँ आकर एक नियम लेके जाए अपने मन में कि कम से कम मुझे दो या तीन अपने गुरु भाई, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से वो परेशान हैं तो मुझे उनकी मदद करनी है। हम सभी लोगों को एक अपना नजरिया बनाना है कि अपनी एक फैक्ट्री को दो फैक्ट्री बनाने पे तो नजर रखनी है, लेकिन जो भी हमारे गुरु भाई आज की डेट में रोजगार या बिजनेस से रिलेटेड परेशान हैं उनके काम धंधे से रिलेटेड भी हर संभव प्रयास, चाहे वो अपने संपर्कों के थ्रू हो चाहे अपने थ्रू हो, हमें उनकी मदद करनी है। मैं एक विशेष रूप से नाम बोलना चाहूँगा गुरु सेवक परिवार की ओर से, श्रीमती कुमारी जी बहन, साधना बहन का, जो कि हमारी बड़ौद से है। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ गुरु सेवक परिवार की ओर से, क्योंकि हमारी नतंत्र प्रकाशन समिति का जो भी लिखित कार्य चल रहा है वो उनके दिशा निर्देश पर ही चल रहा है। अधिक से अधिक समय वो पूरे दिन में कम से कम 7-8 घंटे हमारे गुरु सेवक परिवार के लिए निकालती हैं। इस वजह से मैं उनका संपूर्ण गुरु सेवक परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक और विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा, जिसका हो सकता है मुझे तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन सामना सभी को करना पड़ता होगा, जीएसपी को सिर्फ एक धार्मिक संस्था से ना जोड़ें, सांसारिक संस्था से भी जोड़ने की कृपा करें। कोई भी कार्य जीएसपी करता है आज की डेट में तो यह सुनने को मिलता है कि जीएसपी का काम तो सिर्फ इतना रह गया है कि लोगों को इकट्ठा करना है और चाट पकौड़ी खिलाने का है। मेरे शब्द जरूर आपको कटु लग रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु भाई को हर क्षेत्र में सुनने को जरूर मिलता होगा। मैं उन सभी व्यक्तियों को जो हम लोगों को ये बोलते हैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या वे अपने यहाँ शादी ब्याह के फंक्शनों में अगर चाट पकौड़ी के अंदर इतनी ही दिक्कत है तो क्या वे अपने फंक्शनों में चाट पकौड़ी नहीं बनवाते हैं? ये जो जीएसपी का हम प्रोग्राम करते हैं ये एक माध्यम है हम सभी लोगों को एक माला में एक सूत्र पिरोने का। लेकिन मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि जो जवाब मैं मंच पे दे रहा हूँ, अगर आप इस परिवार के पूर्ण तरह से मेंबर हैं और हर तरीके से इससे समर्पित हैं, जब भी आपको जीएसपी से रिलेटेड कहीं भी कोई बात सुनने को मिलती है तो जैसे परिवार के ऊपर अगर कोई बात आती है तो जवाब आप खुद देते हैं, इसी प्रकार अनुरोध करूँगा जो भी जीएसपी के मेंबर यहाँ दूर दूर से पधारे हुए हैं, वही गुरु महाराज वाली बात कि हमें क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी नहीं। मेंबर्स कहीं पे 25 हैं लेकिन हाजिरी हो रही है वहां पे सिर्फ 5 की। अपने दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से जो आप पर कुछ भी बात कहते हैं उन्हें समझाएं और उसका जवाब दें, जिससे कि आगे वो आपके ऊपर कोई व्यंग ना कर सके। जब तक आपका दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। जीएसपी अकेले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने सभी गुरु भाइयों को हर तरीके से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता है कि चाहे इसमें गांव में बैठा व्यक्ति भी अगर बगैर पैसों के किसी व्यक्ति की मदद करना चाहता है तो वो मदद कर सकता है। कई बार हमारे सामने ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या जीएसपी किसी को पैसे प्रोवाइड करता है मदद करने के लिए? नहीं,
हमारा ये बिजनेस मेला लगाने का पर्पज ही यही है। मान लीजिए मेरा आज टाटा स्टील का अपना लोहे का व्यापार है, मैं अपनी ओर से पधारे हुए सभी गुरु भाइयों से एक विशेष अनुरोध करता हूँ कि वेस्ट यूपी के अंदर किसी भी हमारे गुरु भाई को, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे वो इधर की तरफ बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, किसी भी स्टेट के अंदर हो, अगर किसी को व्यवसाय करने के लिए कोई डीलरशिप चाहिए, चाहे वो एवरेस्ट की शीट्स की हो, चाहे वो रिलायंस की हो या टाटा स्टील की हो, तो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के यदि वो हमारे गुरु महाराज के प्रति, सुदर्शन संघ के प्रति समर्पित है तो हम 56810 एक और है 84497 जिनके ये नाम है, आप प्लीज यहाँ से आगे से गिफ्ट्स अपने ले सकते हैं। जी जी, और इससे पहले कि हम अपने अगले कलाकार को यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट करें, और अनिल अग्रवंशी जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत करना चाहेंगे। थोड़ी देर के बाद उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और उन्हें सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। तो वो पल भी, वो क्षण भी बहुत जल्द हमारी निगाहों के सामने आने वाला है, लेकिन पहले एक ऐसे कलाकार को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जो हरियाणा की शान है, एक बहुत ही जानदार, एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी बातें या कहूँ की गुदगुदाती बातें जैसे ही हम सुनते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, अपने आप झूम उठते हैं, अपने आप मस्ती से लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन पहले मैं उनको बुलाऊं, मैं कुछ नाम लेना चाहती हूं कि वो लोग बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि किसी भी वक्त विमोचन के लिए हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री सुभाष जी पंचकूला से, वीरेंद्र जैन जी, विजेंद्र जैन जी सूर्यनगर से, सुरेश जी चौटाला कृष्णा नगर से, संजीव जी राजपुरा से, रसीटूमल जी बड़ौद से, अशोक जी जयचंदा, वीरेंद्र जी प्रीत विहार से, मदन जी बड़ौद, विनय जी पंचकुला, सुरेंद्र जी मानसा, सुशील जी गाजियाबाद से, अशोक जी खट्टे वाले, सुशील जी, विनोद जी सिरसरी, सुशील जी विनोद जी सिरसरी से, मनोज जी योजना विहार से, प्रेम जी प्रीत विहार से, विजय जैन जी बामनोली से, भामाशाह राजेश जी पंचकुला से, अशोक जी कृष्णा नगर से, कमल जी दुगट से, सुभाष जैन जी राजा खेड़ी से, और प्रदीप जी बबरपुर से। जी, तो जिनके भी हमने नाम लिए हैं आप कृपया मंच के आसपास ही रहें, और इस कलाकार को जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, जैसे ही इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कला आप रूबरू होगी, उसके बाद इन सभी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। एक पुस्तक का विमोचन हमें करना है, तो जैसा कि जी तीन पुस्तकों का विमोचन करना है, तो जैसे ही दोस्तों ये मंच पे आएंगे हमारे बहुत ही जानदार और शानदार कलाकार, जिनका एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही शानदार हम स्वागत करना चाहते हैं, हास्य रस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, गुदगुदाती बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आइए सेलिब्रेशन को बढ़ाते हैं और गुरु सेवक परिवार में झंडू जी को बुलाते हैं। सबसे पहले आप लोग बैठने की कृपा करें, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया कि इस छोटे से कलाकार को आज उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और रही बात हंसी मजाक की, जो ये चुटकले होते इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती,
ये कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसका चुटकुला बन जाता है। वो एक बार मैं राजस्थान पे रात ने प्रोग्राम करके सवेरे चलिया, मैं 15-20 किलोमीटर ही चलिया था, मैंने देखा एक बस का एक्सीडेंट हो रहा। मैंने गाड़ी रखवाई, मैंने देखना चाहा कि बस के नीचे कौन आके मर गया, लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि आदमी बस ने चारों तरफ तय घेरे खड़े थे। मैं भी एक साइड में गया, मन ने भी सोचा झंडू पूरे भी अपनी कलाकारी दिखा और देख बस के नीचे कौन आके मर गया। मैं एक साइड में जाके जोर जोर ते दुआ थड़ लग गया मारन रह लोगो। मेरा एक के भाई था, माँ का जाया बस तड़ा के मर गया, मैंने देख लड़ दो। मेरी बात सुन के 5-7 बूढ़े मेरे कानी लखाए लखा के बोले ये तो झंडू है। उनकी बात सुन के मेरे में और जोश आ गया, मैं जोर जोर तक लग गया चिल्लान रे लोगो। मेरा एक के भाई था, माँ का जाया बस तड़ा के मर गया, मैंने देख लड़ दो। 5-7 आदमी बस का आगे तैट गए और मेरे तक बोले आजा झंडू भाई देख ले। मैं भी उनकी बात सुन के खुश होके और बाजा बाजा गया, आगे जाके देखे तेरी का गदा मरिया पड़ा है। और सुनाऊं? मने भी सोचा झंडू भाई तने बच्चे पालने हैं, तू अपना दिल समझा ली और तो तेरे काम बस कानी थ्री व्हीलर किराए पहले कह चला ली। मन ने थ्री व्हीलर किराए पहले ली भाई, मौके का फायदा ठाण लाग रहा। मन ने मिल गई बुकिंग, मैं दिल्ली छोड़न आन लाग रहा। बुकिंग छोड़ के चालिया भाई जमा थ्यागी, दिन चिपू चिपू करे रोड पे तीन बुढ़िया आएगी। मैं भी आई था बे थ्री व्हीलर ओड़े रोक दिया, मेरा तो नाम झंडू है, अगला ए ब्रेक ठोक दिया। मैं बोला करे जावेगी ताई और रेट जा, तेरे पे तो बाड़ा भी गाट लेऊंगा, मेरी थ्री व्हीलर में बैठ जा। मन ने एक तय कया बे जमा रेट गी, आई तीनों बुढ़िया थ्री व्हीलर के भीतर बैठ गी। मैं भी आई था बैजमा सजा लिया, मेरा भी नाम झंडू है, थ्री व्हीलर 100 की स्पीड तय बजा लिया। बजा के लिया बैजमा रूठ गई, आया ब्रेकर लगा झटका, बैरन की कपलिंग टूट गई। कपलिंग के टूट गई बैजमा जकड़ लिए, सापट घूमन लाग रही, उसने वे ब्रेक आले पाइप पकड़ दी। पकड़ के लिए बैजमा रूठ गए, लगा झटका वे पाइप तो जड़ में तय टूट गए। टूट के गए बैजमा साजली, मैं भी क्या गल कंट्रोल करूं, थ्री व्हीलर दुनी तेज तेज बाजली। एक ऊंट की रेड़ी जावर जमा छान लाग रहा, मेरे भी दीदे पाट गए आगे तक ट्रकान लाग रहा। और मैं बुढ़िया बोली रे झंडू जमा ललकारेगा, डेल के बीज एक न तो छोड़ दे तीनवा न मारेगा। मैं बोला तू चिंता ना करे जमा रोड़ दूंगा, मेरा नाम झंडू है, इसका ई बैंडल मोड़ दूंगा। मन्ना हैंडल मोड़ दिया भाई जमा लसगी, किले में पानी दे रखा थ्री व्हीलर उसका, मैं फंस गई। बस के गई बे जमा दड़गी, मैं चिपट गया हैंडल के, तीनों बुढ़िया चिक्कड़ में पड़गी।
पड़के गई बैजमा लिपटगी वाली झंडो तो सूखा है तीनों मेरे चिपटगी। मैं बोला चिपटन तो काम नहीं चलता और रेड़ दो मैं भी घर जाए करना लूंगा मन्ना भी चिकड़ में गेड़ दो साड़ी तो बजाया करो साड़ी बगैर कलाकार को पावर नहीं मिलती। मंच एक ऐसी चीज है एक कलाकार के जो श्रोता होते हैं जो जज होते हैं वो नीचे बैठ के कलाकार का हाँ जी ठीक है जी आइए अभी इतना ही बाकी दोबारा अब बीच में जो गुरु सेवक परिवार इकट्ठा हुआ है उसके उपलक्ष्य में भी बीच बीच में बातें चलनी चाहिए आइए जी। और लकी ड्रॉ जी लकी ड्रॉ क्योंकि झंडू जी आए हैं तो झंडू जी के लिए एक बार हम सब लोग उनको बहुत एंजॉयमेंट से सुन रहे थे। 10 लकी ड्रॉ के नाम यहाँ पर ये अनाउंस करेंगे नंबर्स। तो नंबर ध्यान से कृपया आप सुनिएगा। पहला नंबर है 84286 जी। हाँ जी 10 निकाल ले वो कह रहे क्यों काम करवा रहे हो मुझसे इतना 84310 जी। और अगला नंबर फाइव सिक्स टू सेवन थ्री फाइव सिक्स थ्री फोर एट बस एक और लास्ट यहाँ पर निकालते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंडू जी। 5 6 8 9 8 5 6 8 9 8 बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से आमंत्रित करेंगे जी। जिनके इनाम निकले हैं जिनके नंबर्स आए हैं वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेज के उल्टे हाथ पर एक काउंटर लगा है वहां से अपने गिफ्ट्स ले लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने लोग सामने खड़े हो गए हैं ये सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पीछे नजर नहीं आ रहा है खास तौर पर जो बिल्कुल सामने खड़े हैं सारे सज्जन कुछ महिलाएं भी हैं सारे सज्जन सबसे निवेदन है स्टेज में कोई ना आए प्लीज व्यवस्था डिस्टर्ब होती है कोई भी ऊपर ना आए प्लीज। जितने भी यहाँ पर सज्जन सामने खड़े हैं प्लीज हीटर के पास ये सबसे आगे खड़े हैं ये प्लीज राइट हैंड साइड पे हो जाएं और सामने की तरफ जितने लोग हैं प्लीज आपसे निवेदन है। और हमारे गुरु सेवक परिवार की जो 3 पुस्तकें विमोचन होनी है उन सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कृपया वो स्टेज पर आए। श्री सुभाष जी पूज्य गुरुदेव श्री मनीष गुरु जी भारत के पिता श्री पंचकुला से श्री वीरेंद्र जी विजेंद्र जी सूर्यनगर से श्री सुरेश जी महामंत्री कृष्णा नगर चौटाला जी कृपया वो भी स्टेज पर पधारे। श्री संजीव जी अति मुक्त मोहनी जी के पिता श्री राजपुरा से श्री कसिंग राम जी पड़ोस से श्री अशोक जी जयचंदा जी उनसे भी निवेदन है कृपया वो पधारे। वीरेंद्र जी प्रीत विहार से मदनलाल जी पड़ोस से विनय जी हमारे दूसरे परिवार के स्तंभ श्री विनय जी पंचकुला से सुरेंद्र जी मानसा से अनुराग मुनि जी के सांसारिक पिताजी सुशील जी गाजियाबाद से अशोक जी खट्टे वाले पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष सुशील जी विनोद जी सिसरौली वाले मनोज जी योजना विहार प्रेम जी प्रीत विहार से विजय कुमार जी पामनोली वाले भामाशाह जी राजेश जी पंचकुला वाले अशोक जी कृष्णानगर
अमित जी के पिता श्री कमल जी पोगट वाले, सुभाष जी पानीपत से राजा खड़ी वाले, प्रदीप जी जो बदरपुर से आए हैं हमारे वैरायटी जी के, श्री विनय जी हमारे जो जीएसपी परिवार के स्तंभ हैं पंचकुला से, मेरा पूरा निवेदन वो जल्दी से जल्दी बधा रहे, प्रदीप जी बदरपुर से, मदनलाल जी गोंडा से उनसे भी निवेदन है कि वो भी बधा रहे, श्री सुरजीत जैन विनोद जैन सिसरली वाले वो भी पधारे, अभी सुन दो, श्री विजय जैन जी कृष्णनगर से बामनोली वाले वो उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी स्टेज पर पधारे। अभी मैं पुस्तकें सबसे विनम्र थोड़ा पीछे हो जाए, सभी सभी से महानुभाव से निवेदन है एक बड़ा सर्कल बना ले, सभी बड़ा सर्कल बना ले प्लीज। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं जिनको नहीं पता है कि कहाँ से मिल रहे हैं गिफ्ट, मेरे उल्टे हाथ पर सामने की तरफ टेबल लगा है, धन्यवाद। और ये 3 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन हम कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है अपना सहयोग दें हमें। और गुरु सेवक परिवार, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत में 28 मेंबर्स हर कस्बे में छा चुका है हमारा जीएसपी परिवार, यानी कि गांव-गांव में कस्बे-कस्बे में आज जीएसपी परिवार छा। पुनः हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप इतनी दूर दूर से सब लोग पहुंचे हैं, और ठंड का मौसम है लेकिन शायद यही हमारे लिए अच्छा, अगर तीखी होती तो शायद बैठना मुश्किल होता। तो आज हम सब लोग जुड़े हैं और वार्षिक सम्मेलन है जीएसपी फैमिली का, और चारों तरफ स्टॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर, दूर उन पे एक नजर डालें क्योंकि हमारे परिवार का यही मंत्र है सहयोग। वेट 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 यस वेट भैया, सामने आइए सर। और गुरुदेव की कृपा की है ये 3 पुस्तकें, श्री दशवैकालिक सूत्र, उत्तरादित सूत्र और मंगलवाणी, ये 3 पुस्तकें आज जिनका विमोचन हुआ है बहुत सुंदर। रतन प्रिय प्रकाशन समिति की वजह से, उनके सहयोग से, उनके हेल्प से गुरु सेवा परिवार के अंदर रतन की
चांदी का तेरक है, हम उसकी बात सुनाते जब जैन धर्म की जय बोलो। बच्चे बहुत ज्यादा आनंदित होने वाले हैं क्योंकि हम एक मैजिशियन को यानी कि एक जादूगर को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। अयान स्वागत है आपका, आइए प्लीज और अपने जादू को अपने मैजिक को दिखाइए प्लीज। सब बच्चों का सब बड़ों का ध्यान जरा इस तरफ आ जाए और अयान का हम स्वागत करते हैं। गुरु सेवक परिवार में आप आए हैं तो बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हमने आज खास ध्यान रखा है। टैटू आर्टिस्ट भी पहले हमने इंट्रोड्यूस किए थे और अब मैजिशियन। Thank you.
बच्चे सब लोग प्लीज लाइन में हो जाएं, सामने खड़े हैं सब प्लीज लेफ्ट लाइन में हो जाएं, एवरीवन प्लीज जैसा आप सब सुन रहे हैं यहाँ पर सब बैठ जाइए क्योंकि पीछे वालों को कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए और बैठ जाइए यहाँ पर। देखिए बच्चों, जब मैं घर से आ रहा था ना तो मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने अपनी मम्मा को बोला मेरे को कुछ बनाकर दे दो, तो मेरी मम्मा ने मेरे को नूडल्स बनाकर दिए, वो नूडल्स मैं खाने के लिए जा रहा हूँ और साथ में मेरे साथ ये भाई भी खाएंगे, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे ही वैसे ये करेंगे और देखते देखते क्या मैजिक होता है। वो कोई भी इस मैजिक को घर जाकर ट्राई नहीं करेगा क्योंकि मैं जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास जो नूडल्स है, बच्चे आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, देखो पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाइए। मेरे पास जो नूडल्स है वो है मेरे पास पेपर नूडल्स, वो मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, देखते देखते इसके साथ क्या मैजिक होता है, मैजिक विद म्यूजिक। और सब प्लीज बैठ जाएं प्लीज। Thank you.
बार फिर से कुछ ना कुछ मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी हमारे बीच कौन अभी आपको एंटरटेन करेंगी मैम, मैं आपके बीच में फिर से और कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार इनका धन्यवाद करते हैं, हर्ष हर्ष बहुत धन्यवाद। तो ये लकी ड्रॉ प्लीज आयान आप आए हैं तो एक लकी ड्रॉ भी अनाउंस करके जाइए फटाफट से। हाँ, पांच लकी ड्रॉ के हम यहाँ पर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और सब थोड़ा थोड़ा साइड्स में आ जाइए। बार बार आपसे कहना पड़ता है कि आप सामने ना आए, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए सब लोग। राइट, जो सेंटर में खड़े हैं वो इधर आ जाइए। फोटोग्राफर को छोड़ के बाकी सब प्लीज पीछे हो जाएं, क्योंकि हमारे जितने भी बाकी परिवार के मेंबर्स हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है पीछे से। सर प्लीज इधर आए एवरीवन, प्लीज सारे सज्जन जो सामने खड़े हुए हैं आकर के मंच के, आप सब लोग प्लीज राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे जगह खाली है पीछे, आप प्लीज आए। चलिए नंबर्स अनाउंस कर रहे हैं, पांच यहाँ पर कूपन्स अनाउंसमेंट करने के लिए जो नंबर्स की शुरुआत हो रही है। पहला नंबर है 56135, 56135। अगला नंबर है 84407, 84407। नेक्स्ट नंबर है 56114, 56114। नेक्स्ट इज 84877, 84877। और दो नंबर और अनाउंस करते हैं हम। अगला नंबर है 84203, 84203। चलिए थैंक यू। और जिनके ये नंबर्स हैं यहाँ सामने से गिफ्ट लेंगे आप, इधर से स्टेज पर कोई गिफ्ट नहीं है बट लेफ्ट हैंड साइड पर इधर से आप गिफ्ट ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे, हाँ आगे कुर्सियों पर बैठे हैं हमारे जो मेंबर्स हैं। और यहाँ टैटू आर्टिस्ट भी हैं बच्चों के लिए, जिनको अपने टैटू बनवाने का शौक हो हाथ पर वो प्लीज आए टैटू बनवा सकते हैं। जी अब शुरू कर रहे हैं, तो बात सबसे इम्पोर्टेंट बात मेडिकल की व्यवस्था, यानी कि अगर हमें अपनी सेहत से जुड़ी कोई बात इतनी सरलता से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि आजकल जब टेस्ट होते हैं किसी भी बीमारी को लेकर वो बहुत महंगे होते हैं, लेबोरेटरीज के रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मजबूरी में हम सबको वो करवाने पड़ते हैं क्योंकि डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अब गुरु सेवक परिवार ने एक टाई अप किया है लेबोरेटरी के साथ, जहां पर हमारे जीएसपी के मेंबर्स को 50% ऑफ मिलेगा इन मेडिकल टेस्ट करवाने पर। लुधियाना वाले विनोद जी, रोहिणी वाले मनीष जी रानीबाग से, राजेश जैन जी और नीरज जैन जी कृपया मंच पर आए और इस स्कीम को लॉन्च करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये हम पे से एक एक के। नीरज जैन जी प्लीज मंच पे आए, नीरज जैन जी ये हम में से हर एक के यूज की चीज है। कभी ना कभी हमारे कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ते हैं, ना पड़े ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन अगर यदि उन्हें जरूरत पड़े टेस्ट की तो 50% ऑफ है लेबोरेटरी के टेस्ट पर। निर्मल जी का लैब से जाकर करवा सकते हैं, 50% ऑफ है ये सिर्फ जी। और नीरज जी, नीरज जैन जी और तुमर जी जो कि सीआरएल लैब की कर्ता धरता है, आपसे निवेदन है आप लंच पे आएंगे। ओके, ये कार्ड जो सबको लेने हैं और जो लेकर उस लैब पे जाएंगे 50% ऑफ आपको मिलेगा, स्टॉल पे ही मिलेगा ये कार्ड आपको। सर इधर सर, एक्सक्यूज मी, या दीजिए। और यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से इतने अच्छे अच्छे काम जीएसटी में हो रहे हैं। तो आइए इसे बरकरार रखते हैं और इसके बाद मैं मंच के पास रेडी हो जाएंगी क्योंकि अगला नाम आपका होगा। से कवि श्री अनिल अग्रवंशी जी भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और अंजू जैन जी जो कि कवित्री हैं, जैन किया है और हम सब ने इन्हें सराहा है। एक बहुत ही शानदार कवित्री, एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है अंजू जी का। तो ये दोनों हमारे मंच पर आएंगे अभी थोड़ी सी देर में। एक गाड़ी है, उससे पहले मैं निवेदन करती हूँ DL 13CC 4529 हुंडई की गाड़ी है, 4529
सिल्वर कलर की, जिनकी गाड़ी है प्लीज जल्दी से इसे हटा ले। 4529 धन्यवाद जी। शालिनी जी जलंधर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि आप कृपया मंच पे आए और जो कहना चाहती हैं आप। जी मैम स्वागत है। संयुन हो तो, संयुन हो तो सर्वत्र हमें भगवान का दर्शन होता है। संयुन हो तो फिर जीवन में समता का आवर्षण होता है। फीके आकर्षण सब लगते हैं, फिर कोई चलती कब तक। प्रेम शिष्य रतन आगमविता कुशल अनुशासक जीवन के धनी श्रद्धे गुरुदेव श्री अरुणमुनि जी महाराज के चरणों में एवं अत्विराजित समस्तचारित आत्माओं के चरणों में हृदय की असीम गहराइयों से वंदन कर सुख साता पूछती हूँ। और यहाँ गुरु सेवक परिवार के वार्षिक सम्मेलन में आए सभी सदस्यों को मेरी तरफ से सादर जय जुनून। आपने सुना ही होगा, कोई इतिहास का पाठक होता है तो कोई इतिहास के मात्र दर्शक और कोई इतिहास के निर्माता होते हैं। ऐसे ही एक दुर्लभ व्यक्तित्व जिससे इतिहास की रचना सहज ही हो जाती है, इस बात को आपने भी अपनी आंखों से देखा है। गुरुदेव के प्रवचनों का लोगों को इतना गहरा आकर्षण है कि आम तो आम, खास से खास आदमी भी बरबस चला आता है। मानवता के मसीहा, वात्सल्य के सागर, साधना में संकल्प के धनी, ऐसे संत इस धरा पर यदा कदा ही अवतरित होते हैं। पूज्य गुरुदेव अलग ही प्रकृति के संत हैं। इनके दर्शन करने से ही परम शांति महसूस होती है। निश्चय ही ये ऐसे संत हैं जो सारी उपमाओं और अलंकारों से भी ऊपर हैं। इसी अविश्वसनीय अकल्पनीय जन जन कल्याणक सोच के धनी आगम ज्ञाता योगीराज गुरुदेव श्री अरुणमुनि जी महाराज की प्रेरणा से श्रावक वर्ग ने गुरु सेवक परिवार का संगठन सन 2015 में किया। गुरु सेवक परिवार यानी GSP अ सोशल हेल्पिंग हैंड, एक ऐसा परिवार जिसके लिए गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा, जिसका मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, जो मानव की हर समस्या के लिए एक जीवन एवं भावनात्मक मंच को तैयार कर, जैसे कि बेरोजगार को रोजगार, करियर गाइडेंस सेमिनार, पारिवारिक स्तरीय कानूनी सहायता एवं योग्य वर वधु काउंसलिंग के रूप में करता है। संस्कार गुरु सेवक परिवार की पूंजी है। वह संगठन गुरु सेवक परिवार का लक्ष्य है समाज व राष्ट्र विकास जागृति के लिए नशा मुक्ति की प्रेरणा दी जाती है। शिक्षा दान व ज्ञान सेवा कार्य जिससे कि साक्षर व सभ्य समाज का निर्माण हो सके आयोजित किए जाते हैं। जियो और जीने दो गुरु सेवक परिवार का नारा है, जिसके अंतर्गत जीव दया सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां एवं काउंसलिंग मेडिकल कैंप्स के रूप में की जाती है। समाज व राष्ट्र का उत्थान गुरु सेवक परिवार का मिशन है, जिसके अंतर्गत व्यापार संवर्धन की योजना आती है, जिसमें GSP बिजनेस काउंसलिंग आइडिया से अपने मेंबर्स की हेल्प करता है। ऐसा है ये हमारा गुरु सेवक परिवार, जो एक जन आंदोलन है, एक मिशन है, एक क्रांतिकारी कदम है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि बताया मैडम ने कि एक क्रांतिकारी कदम है, एक बहुत ही सुंदर पहल है GSP परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद हमें GSP की गतिविधियों के बारे में और बताने के लिए। और लकी ड्रॉ, अच्छा पहले लकी ड्रॉ, तो हमारे दोनों जो पोइट्स हैं कवि हैं वो यहाँ पे मंच पे पधार चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं GSP परिवार में, नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और पहले जैसा कि परिवार की रिक्वेस्ट है कि 5 लकी ड्रॉ हम यहाँ पर निवेदन आपसे करेंगे कि आप नंबर्स यहाँ पर निकालिए ताकि हम उनके नंबर्स अनाउंस कर सकें। लकी ड्रॉ एक बार फिर से 5 नंबर्स अनाउंस करने
जा रहे हैं। पहला नंबर 56018 84018 84018 84026 84006 84006 और फाइनल नंबर है 56106 56106। जिनके गिफ्ट्स आ गए हैं वो इधर लेफ्ट हैंड साइड से अपने गिफ्ट्स ले लें। तो जिस पल का हमें इंतजार था, पल के बिछाए, जिस क्षण की हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अब हमारे सामने आ चुका है। हमारे इस मंच पर, गुरु सेवक परिवार के इस मंच पर इस समय मौजूद हैं श्रीमान अनिल अग्रवंशी जी और श्रीमती अंजू जैन जी। आइए इनका अभिनंदन करें, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं दोनों, और अंजू जी भी एक बहुत ही फेमस कवियत्री। बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं अनिल जी, हरियाणा शैली के कवि हैं, सब टीवी पर इनका हमने प्रोग्राम देखा है जिसमें बहुत इन्हें पसंद किया है। वाह वाह क्या बात है। वे आज तक टीवी पर भी कुमार विश्वास के साथ इन्होंने प्रोग्राम दिया है। 1.25 करोड़ इनके व्यूज हैं सोशल मीडिया पर। कई देशों में ये हिंदुस्तान से बाहर प्रोग्राम कर चुके हैं और लाल किले पर भी इन्होंने अपना कविता पाठ किया है। दूसरी तरफ है अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, रेड फोर्ट पे परफॉर्म किया है, जैन समाज से आप हैं, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। दोनों के हवाले है मंच। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, परम पूजनीय महाराज जी अरुण मुनि जी के चरणों में नमन करता हूँ, और जैन समाज ने इतना अच्छा कार्यक्रम ये जो आज आयोजित किया, मैं ये तमाम सेवक लोग, मुझे पता चला यहाँ कोई प्रधान नहीं है, कोई उप प्रधान नहीं है, यहाँ सारे ही प्रधान है। देखो हास्य की बात है, हास्य तक रखना भाई साहब, उसको सीरियस मत लेना, क्योंकि जीवन में दिक्कत जब भी होती है कि जब हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हंसी वाली बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, हमारे को कवियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ताली की, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। अब यहाँ पर ताली तो है नहीं साहब, महाराज जी कहते कि ताली नहीं बजानी चाहिए, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं, महाराज जी बैठे हैं वहाँ ध्यान में, और यहाँ ये जैन समाज का कार्यक्रम है, ये तो व्यापारी के ग्रुप जोड़ा है आप एक दूसरे से जुड़ने के लिए, तो कोई जैन समाज वाली वो बात नहीं है जो कोई मंच पर मुनि महाराज बैठे हो, इसलिए अगर हो सकता हो तो एक बार ताली बजा दो। तू रहने दे भाई, ढोल मत बजा, ताली बजाने के लिए कही है, अब ढोल में नहीं मर जाएगा कोई जीव, ऐसे नहीं होता। जितने लोग बैठे मैं नमन करता हूँ, थोड़ा सा आप, मैं आपके भाई झंडू राम राम, झंडू भी हमारे हरियाणा का बहुत मस्त आदमी है, इनकी शादी हुई झंडू भाई की, झंडू भाई सुन ले, मस्ती ले हो, मजरा मौज ले हो, झंडू की शादी हुई, शादी के अगले दिन पहली रात अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका भाई साहब, यहाँ मंच पर इतने चुटकुले सुना रहे थे, एक शब्द अपनी लुगाई से नहीं बोल सका, एक घंटे बाद बोला तेरा नाम के है, वह भी छठी हुई हरियाणा की थी, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है, हर्ष हर्ष भाई, मुझे तालियों के बिना पता नहीं चलेगा हमारी बात कितनी कोची है, महाराज एक बार बजा दो जरा जोरदार तालियों। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है, कुछ पता नहीं कहां निपटा दे महिला, और ऐसी एक नारी, एक महिला, एक कवित्री, मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, थोड़ी बहुत देर रहूंगा, बहुत तारीफ कर दी इन्होंने मेरी एंकर, क्या नाम है बेटा, जूही, यो कौन सा नाम होया जूही, पहले होते थे बिमला सरला कमलेश, जूही के नाम होया, बढ़िया सा नाम रखो कोई अपना, हाँ पार्वती रखो, पद्मावती रखो, सीतावती रखो, जूही, जूही के नाम होया भाई साहब, अब हमारा नाम है ये क्या नाम बैठा झंडू भाई, बहुत मस्त आदमी है। अच्छा ये जो हमारा इंट्रोडक्शन कर रहा ना भाई साहब, कोरी झूठ, अंतर्राष्ट्रीय कवि, विदेशों में गए, ये करा, भाई साहब कितने निगह खाली पड़े थे घर में, देश के कोने कोने में कवि सम्मेलन करा, बाबूजी मैं आज तक कोने में नहीं गया, मैं कोने में किस लिए जाऊं भाई साहब, जब मेरी कविता यहाँ बीच में कड़कड़ डूमा में लोग सुन लेते हैं, मैं कोने में किस लिए जाऊं। मैंने 15 साल पहले फोन करा भाई साहब को, झंडू को, मैंने कहा झंडू कहाँ, अब ये भी झूठा आदमी मेरी तरह, बोला अमेरिका, अरे मैंने कहा अमेरिका किस लिए, बोला वहां प्रोग्राम के लिए बुलाया, अरे मैंने कहा मैं आज तक जमुना पार तक नहीं गया, तो अमेरिका पूछ के। मैंने अगले दिन फिर फोन करा एक हफ्ते बाद, मैंने कहा झंडू कहाँ, बोला स्विट्जरलैंड, अरे मैंने कहा पिछली बार अमेरिका, की बार स्विट्जरलैंड, झूठ की हद होती है भाई साहब, शक हो गया बाबू जी,
भाई साहब प्रवीण जी मेरे को शक हो गया, मैं इनके घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा बाहर आया यार। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा झंडू कहाँ? अब इसको क्या पता नील बाहर खड़ा है। मैंने कहा झंडू भाई कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। हर्ष हर्ष, हाथ खड़े करके झार झार जय जय बोलेंगे। हर्ष हर्ष, इसका मतलब बढ़िया सुन रहे हैं दोस्तों। मैं आपके बीच में 5-10 मिनट रहूंगा। बहुत बताया, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, हास्य कविताएं पूरे देश में आप सुनते हैं। तमाम ऐसे जैन समाज के लोग हैं, मैं भी अग्रवाल हूँ, तो जैन समाज और अग्रवाल, मेरी शिक्षा दीक्षा भी जैन स्कूल से हुई। मैंने जैन समाज के वो 5 मंत्र बहुत साल बोले हैं, प्रार्थना में सबसे आगे खड़ा होकर बोलता था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मुनि जी के चरणों में और आप जैसे भाइयों के प्रेम में यहाँ आया हूँ। मैं बहुत साधुवाद और बहुत आपको बधाई देता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक कवित्री आई है जो आपके समाज की है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, अग्रवाल समाज हो या जैन समाज हो, बहुत तरक्की कर लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे राजनीति में आने लगे, पैसा भगवान ने बहुत दे दिया है। लेकिन मंचों पर अगर कविता की बात करें तो जैन समाज में और अग्रवाल समाज में बहुत कम लोग हैं, चंद लोग हैं। उसी में से एक कवित्री जो लाल किले पर अपना कविता पाठ कर चुकी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, हमारी बहन अंजू जैन जी, इस समाज की वो कवित्री जो बड़ी शालीन और सभ्य लिखती है। मेरा निवेदन है कि वो 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर चाहें, एक बहुत, क्योंकि आप परिवार के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, या छोटी छोटी बच्चियां बेटियां बैठी हैं। झंडू भाई बस, झंडू भाई भी मस्त है बिल्कुल बैठे हुए वहां भाई साहब। मैं चाहता हूं कि अंजू जैन जी आए और आपको एक माँ की कविता सुनाए, उसके बाद मैं 5-10 मिनट अपना हास्य प्रस्तुत करूंगा। वो कविताएं जिनके लिए आप बेताब हो, जिन्होंने आपने व्हाट्सएप पर सुनी, बहुत सारे लोगों ने कहा अनिल भाई वो कविता सुनाना, मैं उस कविता को जरूर सुनाऊंगा। 5-6 मिनट आपके बीच में रहूं, उससे पहले मैं चाहता हूं अंजू जैन जी एक बार हमारे बीच में आए। तालियां आप बजा नहीं सकते तो हाथ खड़े करके बोलेंगे हर्ष हर्ष। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अपने परिवार के बीच कविता पढ़ने से जो हौसला मिलता है, निश्चित रूप से आप मेरी वो हौसला अफजाई करेंगे। हालांकि यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, पर हर्ष हर्ष या जय जय कहकर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सुबह से यहाँ पर व्यस्त हैं, सुनिएगा। कैसे हमारे भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए, तब पढ़ती हूँ। नई राहें दिखाने को मेरे भगवान आए थे, नई राहें दिखाने को मेरे भगवान आए थे, दुखी का दुख मिटाने को मेरे भगवान। हमारे साधु कैसे होते हैं, तब पढ़ती हूँ। किस तरह का आचरण, किस तरह का व्यवहार उनका होता है। 4 पंक्तियाँ यहाँ आचार्य श्री विराजित हैं, उनके चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। आचरण की किताबों की ये सुंदर सी लिखावट है, आचरण की किताबों की ये सुंदर सी लिखावट है, जो भीतर है वही बाहर सजावट ना दिखावट है। छुड़ाते कर्म के बंधन खुद अपने भी हमारे भी, कठिन जिन मार्ग पर चलते न चलने में थकावट है, कठिन जिन मार्ग पर चलते न चलने में थकावट है। मैं आचार्य श्री जहाँ भी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सबको आदेशित करें कि दिन में मच्छर नहीं होते हैं। आप तालियां बजा सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा कर जी। 4 पंक्तियों से अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महापुरुषों की बातें सुनते हैं, उनके जन्म दिवस मनाते हैं, पर उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। संस्कारों की बात करती हूँ, इतना पावन मंच है, तब कहती हूँ सुनिएगा। बना कर झूठ को
करते हैं, गिफ्ट उन्हें पितरों में रखते हैं। क्या बात है, वाह। कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि जब सफलता के मायने बड़ी गाड़ी बड़ा बैंक बैलेंस हो जाता हो और उसको पाने के लिए न जाने हम सुबह से शाम तक कितने झूठे सच्चे काम करते हों, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर हम बच्चों पर भी डालते हैं। आप सब देखते हैं कि आजकल हर बच्चे में होड़ लगी हुई है प्रथम आने की, जबकि प्रथम तो एक ही आता है। आप खुद भी देखते हैं कितनी आत्महत्याएं, कितना कुछ बच्चे आजकल कर रहे हैं। तब पढ़ती हूँ कि अपने मन को सच्चा रखिए, वही सबसे संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। तब कहती हूँ सुनेगा, छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। वाह। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते हैं। क्या कहने वाह। इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते हैं। हमारे साधु संत कहते हैं कि ये जमीन जायदाद सब मोह माया है, पर कहीं ना कहीं आजकल आप देख रहे हैं, हमारे जैन साधु तो नहीं पर और साधु समात्मा आप सुनते हैं कि वो अपनी जमीन अपने आश्रम इस तरह से बनाते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, अंतिम सुनेगा। धड़कता था जो दिल औरों की खातिर सब के सीनों में, उसे ही मार कर हम ढल गए जिंदा मशीनों में। इधर सब संत कहते हैं कि धन दौलत तो मिट्टी है, उधर सबने लगा रखा है अपना धन जमीनों में। वाह वाह वाह। उधर सबने लगा रखा है अपना धन जमीनों में। यहाँ मेरी बहुत सारी माताएं बहनें बुजुर्ग, मैं सबके आशीष के लिए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ अपनी गीत की भूमिका में। एक माँ का गीत पढ़ने का मेरा मन है, सुनाती हूँ सुनिएगा जी। स्वागत। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरे खानी पड़ेंगी उनको ए अंजू, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। क्या बात है, वाह। बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। माँ का गीत जो पढ़ने का मन है, मैं जानती हूँ कि आप सब व्यस्त हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि माँ से बड़ा दूसरा कोई नहीं जग में। ऐसा कहा गया है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ जिसके हाथ पकड़कर हम चलना सीखते हैं, और जब कहीं हम लंबे डग रखने लायक हो जाते हैं तो माँ पीछे छूट जाती है। ये कविता जब जन्मी आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी सारी जायदाद बेचकर माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। तब पढ़ती हूँ, उससे पहले एक मिनट के फ्री वर्ड्स की कविता पढ़ती हूँ कि माँ हमारे लिए क्या होती है बचपन में, और हम बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या हो जाती है। आप हम सबकी कहानी कहती हूँ सुनेगा कि बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ। बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ। दिन भर टेनिस की गेंद की तरह उछलती दौड़ती माँ, किचन से कमरों तक कभी खाना, कभी कपड़े, कभी किताबों के लिए पूरी करने बच्चों की हर जरूरत। पर आज बरसों बाद मैं देखती हूँ कि माँ तो अब भी दौड़ रही है,
माँ तो अब भी दौड़ रही है, उछल रही है टेनिस के गेंद की तरह। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों में। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों में, और जिम्मेदारी से बचने के लिए हर कोई चाहता है गेंद की तरह माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना, गेंद की तरह माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा, मेरी बात आप तक पहुँच रही है सब तक जी। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ 10 बच्चों को पाल देती है और 10 बच्चों से एक माँ नहीं पलती है। तब पढ़ती हूँ, प्रतीकों के माध्यम से बातें सुनेगा। कई शाखे अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कई शाखे अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको। कभी नींदो कलोरी है कभी कड़वी दवा लब को, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। नहीं बहने दिया माँ ने कभी लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। आगे पढ़ती हूँ, जिस बन के लिए मैंने ये कविता लिखी कि माँ को जैसे वो बच्चा छोड़कर चला गया, तब पढ़ती हूँ। और माँ तब भी उतना ही प्यार करती है, उतना ही आशीषती है, तब कहती है राम हो या श्रवण हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ। नीड के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान, छोड़ जब से गए अपने छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। जिनके माता पिता उनके साथ रहते हैं, मेरे ख्याल से वो कहना चाहिए जीते जागते तीरथ हैं आपके, उनका बहुत सम्मान करिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उनसे पूछिए कि वो कितना उनकी कमी महसूस करते हैं, उनकी आशीषों को की कमी महसूस करते हैं। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, एक बार तालियां मेरे लिए नहीं अपने अपने माता पिता के लिए बजा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जी। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी
जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, हवा वो संदली है रोशनी की गली है। बहुत बहुत आभार। अब मैं आपके सामने हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध अनिल अग्रवंशी जी मौजूद हैं। आपकी उनकी कविताएं आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी, आपको मैं उनसे रूबरू कराती हूँ। आप सबने उनको YouTube पर और वैसे बहुत मंचों पर सुना होगा। हमारे बीच है और उनको चार पंक्तियां शुभकामना की देती हूँ। सुनिएगा कि रोशनी से सरोबार हो सिलसिले, उनके साथ साथ आपको भी ये पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि रोशनी से सरोबार हो सिलसिले, आपको नित नई सफलताएँ मिले, हारता ही रहे ये अंधेरा सदा, हारता ही रहे ये अंधेरा सदा, मुंह छुपाती रहे हर कदम मुश्किलें, और जोश जोश खामोश होकर न बैठे कभी, स्वागतम गुनगुनाए स्वयं मंजिले, स्वागतम गुनगुनाए स्वयं मंजिले। आइए अनिल अग्रवंशी, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, इसकी आवाज बढ़ा दे भाई, अरे और बढ़ा, कम कर दे अब बढ़ा। हाँ ठीक थी, पहले मैं तो इसलिए कह रहा था खाली क्यों बैठा, जब हम सारे काम कर रहे हैं तू खाली कैसे बैठा है? हम यहाँ काम कर रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई कविता सुन रहा है, मैं कविता सुना रहा हूँ, झंडू ऑटोग्राफ दे रहा है, तू खाली बैठा है ऐसे कैसे? हरियाणा का आदमी भाई साहब खाली बैठी बिठा ही नहीं सकता किसी को। वो मेरे को याद है एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया, चौधरी ने सोचा यार ये कुत्ता बैठ गया, इसको एक रोटी दे देता तो कुछ पुण्य हो जाता, थाली में रोटी खत्म बाबूजी। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी अंदर से, रोटी ला, बोली कोई रोटी वोटी नहीं है, रसोई साफ कर दी, बोला फिर एक काम कर भीतर तो तू लठ लिया खाली, तो मैं कुत्ते ने भी नहीं जाने दूं, कुछ ना कुछ करके छोड़ दूंगा भाई साहब, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा। अंजू जैन जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, हमारे सुशील जैन जी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके छोटे भाई अतुल जी बैठे हैं, उनकी वाइफ हैं ये, एक बार जोरदार ताली बजा दो, चे हर्ष हर्ष कह दो, एक काम कर दो, एक आदमी ने करिए रहने दे, कोई फायदा नहीं है ऐसी हर्ष का, सारे मिलके करोगे जब फायदा है, हर्ष हर्ष। पांच छह लुगाई नहीं बोली बिल्कुल भी, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, मैं बता रहा हूँ भाई साहब ये तो आपका समाज है, कवि सम्मेलन हो रहा है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के कितने लोग, जरा हाथ खड़े करना यार, उसके बाद भी क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार, इतनी जोर से यूपी के कितने आदमी है, यूपी के उतने यूपी के खड़े कर दिए जितने हरियाणा के, और राजस्थान के कितने हैं। अब असली बात का उत्तर देना, पता चलेगा कि कौन है, जो हमारे अरुण मुनि महाराज जी हैं, बताओ कि उनके सेवक कितने हैं साहब, हर्ष हर्ष। ये बात मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरे देश में कविता पाठ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आप लोगों से परिचित हैं, मैं इतना अच्छा कार्यक्रम बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन करता हूँ, इसी कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग, इतने लोग बैठे हैं, इसका सिस्टम थोड़ा हम अगली बार बदलेंगे कि स्टॉल एक जगह कहीं लगाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और स्वागत का एक मंच रहेगा, आप देखना यही कार्यक्रम देश के चुनिंदा कार्यक्रमों में गिना जाएगा। ताली बजाई दो लोगों ने, रहने दो, ताली एक बार खुल के बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाए इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। एक आदमी वहां बैठा भाई साहब, उसको थोड़ा इधर कर दो, उसका असल में उसके सर पे बाल नहीं है, वो सूरज महाराज का आंखें वहां चौंधा पड़ता, मेरी आंखों में लगता भाई। मैं बता रहा हूं भाई साहब, केवल दुनिया में दो ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, एक माँ एक पत्नी, जब माँ हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं। या कई लोग ऐसे बैठे जिनका नाश कर रखा पूरे मोहल्ले में, हो जाता है ऐसा, हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती, खड़े नाश हो जाती है। हाँ तो ये दोनों खड़े हुए देखो दिनों जी, ये भाई साहब प्रवीण भाई ना, विजय भाई, पिछले साल मेरे से कह रहे चुनाव लड़ूंगा, मैंने कहा क्यों, कह रहा यार लड़ूंगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक नारा इन्होंने लगाया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, मैंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप अच्छे आदमी हो, चुनाव लड़ना अच्छे लोगों का काम नहीं है, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर पे गए, घंटी बजाई, बेटा आया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप देना हालात बदल दूंगा। बच्चे ने देखा पापा पागल सा हो गया, अंदर से मम्मी को बुला के लाया, मम्मी देखना पापा के क्या हो गया, अंदर से भाभी आई, ये अपने लगे हुए, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहना हुआ है,
एक बार हाय सेंस करो जरा जोरदार ये बात साहब कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान को कौन निपटा सकता है? चार आदमी देश में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पांच मिनट का समय लूंगा। पाकिस्तान को चार लोग निपटा सकते हैं भाई साहब, बड़े दुखी है लोग पाकिस्तान से। राष्ट्रपति साहब ने बुलाया, बोले लिस्ट बढ़ाओ, पांच लोग चार लोग कौन पाकिस्तान को निपटाएंगे? बोले भाई बना लो, एक तो बाबा रामदेव निपटा देगा। बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देगा? बोला उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, वो पाकिस्तान को निपटा देंगे। अरे बोला दूसरा, बोला दूसरा केजरीवाल निपटा देगा। एक बोला यार केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता, एक समझदार आदमी बैठा था सुशील जी जैसा वहां पर। अरे बोला निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। बोले तीसरा कौन निपटा सकता है? बोले तीसरा मोदी निपटा देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। बोले चौथा आदमी कौन निपटाएगा? अगर आपको विश्वास हो तो हाथ खड़े करके हर शहर जय बोलना, विश्वास हो तो। चौथा आदमी, बाबूजी आपने चश्मा लगा रखा है, सुनो, चौथा आदमी फिर मेरे को बुलाया उन्होंने, किसी ने हर शहर से नहीं बोली भाई साहब, किसी को विश्वास, इन महिलाओं ने नहीं बोली है, जलते हैं मेरे से भाई साहब, क्योंकि इनको कभी केजरीवाल ने भी नहीं बुलाया, मेरे को बुलाया। बोले भी पाकिस्तान निपटाना, कैसे निपटाओगे? अब चार लोगों ने पाकिस्तान कैसे निपटाया सुनो, हाथ से व्यंग कहां से लाया हूं देखिएगा। तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डाल। अभी एक दोस्त मेरे पास रोते हुए आया, क्या बात है? बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ तेरे दादाजी को? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार सुबह सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सुबह चार बजे। अरे रुक जा यार, पहले इन्हें डॉक्टर ने मिलवा दे, मेरी तो देखी जाएगी, मन ना मरवा दे, डॉक्टर ने मिलवा दे पहले। भाई साहब ये चार पंक्तियां सुनो भाई साहब, यार आप तो कविता के आदमी हो यार, कविता खराब मत करो। वो एक दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया मेरे दादाजी को। मैंने कहा तेरे दादाजी को रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह चार बजे, दादा मेरे भोले वाले, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना, दादा बोला ठीक है, सुबह चार बजे का टाइम था, बाकी परिवार सो रहा था, बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली, बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली, इतनी देर में लाइट चली और दादाजी भी चले। तालियां थोड़ी बजाइए यार, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले, केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डाल। और चौथी पंक्ति में तालियां बजे साहब, कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डाल। उसके बाद भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मोदी का 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया मेरे पास। बोले अनिल भाई सो है, जाग गए है। मैं बोला जाग रहा हूं सर। बोले अनिल भाई बात करना चाहता हूं। यार इसकी आवाज थोड़ी बड़ा यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तेरा मजा नहीं आ रहा मेरे को। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले यार वो पाकिस्तान परेशान कर रहा है। मैंने कहा आप सर्जिकल स्ट्राइक करो। सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसके कहने से करी किसी को नहीं पता भाई साहब, सिर्फ सुशील जी को पता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जैन समाज के। बहन जी सुनो, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, मेरे कहने से करी थी सर्जिकल स्ट्राइक। 5-6 लोगों ने ताली बजाई, बाकी किसी को विश्वास नहीं, मेरे कहने से सर्जिकल स्ट्राइक करी। अतुल जी सुनो, वहां पर प्रधान उनका राष्ट्रपति परेशान हो गया, सीधा मोदी जी को फोन करा। मोदी जी 65 साल हो गए लड़ते हुए, इस युद्ध को बंद कर दो, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले नहीं जोड़ता। बोले हम गलती मानते हैं। मोदी जी बोले कोई गलती नहीं है। बोले हम पैर पकड़ते हैं। मोदी जी बोले पकड़ो, पैर तो पकड़ो कम से कम, लेकिन दोनों देशों में प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले एक ही शर्त पे जोड़ूंगा,
बोले क्या? इनको पता है। बोले अनिल से पूछ के बता। अनिल जी, सुशील जी, संजीव जी और सौरभ जी से कि वो कृपया मंच पे आए और हमारे दोनों आर्टिस्ट, हमारे दोनों ये वो कलाकार जो कि केवल हिंदुस्तान की सीमाओं में ही सीमित नहीं है, बहुत अमेजिंग परफॉर्मर्स हैं, उनका सम्मान करें, उन्हें सम्मानित करें। एक स्मृति चिन्ह जी को, जो कि गुरु की स्तुति में एक गान प्रस्तुत कर रहे हैं और गुरु से हम क्षमा मांगते हैं, बस 2 मिनट का समय हमें और चाहिए। सुरेंद्र जी आए हैं, उसके बाद फिर हम आपको बुलाते हैं। सबको जय जिनेंद्र, जय सुदूर, जय सुदर्शन, जय अरुण। हर दिल अजीज संत हो, अजी बेमिसाल हो। अरुण जी को, हर दिल अजीज संत हो, अजी बेमिसाल हो, सबकी मिसाल है मगर गुरु बेमिसाल हो, हो। हर दिल अजीज संत हो, क्या क्या गिनाऊं आपकी सिफ़तें या खूबियां, क्या क्या गिनाऊं आपकी सिफ़तें या खूबियां, तर्जे अमल से आपकी मुतासिर है कुल जहां, रहबर हो कौम के अजी जाहो जलाल हो। हर दिल अजीज संग हो, बोलो भगवान अमीर स्वामी। हमें भी आने का मौका मिला, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। और अभी आपके बीच में बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं हमारे साथी कलाकार ने सुनाई। आइए, समय के अभाव को देखते हुए एक और हंसने हंसाने की कोई कविता के माध्यम से आपको गुदगुदाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। एक दिन के होया मैं घरा बैठा बई जमा सताया, मेरे तो बॉम्बे ते एक फोन आ गया, बोली बढ़िया कलाकार है अपना दिल बहलावांगे, जंडू तुम बॉम्बे आ जा तने लेफ्टर चैनल पे लावांगे। मैं बोलिया मेरा नाम जंडू है अपना दिल बहलाऊंगा, करा टिकट भेज दो मैं तो जांच में आऊंगा। मन ने याए बात कही बै जमा सतागी, एक हफ्ता भी नहीं लाग्या टिकट कराए आएगी, आके गई बै जमा टूल गया, जांच वाली टिकट तो गोज मैं गाली, रेल वाली टिकट कराए भूल गया, भूल के गया बै जमा रेट गया, जाके रेल में एसी वाले डब्बे में बैठ गया। इतने में देखा भाई मौके का फायदा ठान लाग रही, एक लेडीज टीटी मेरे कानी आन लाग रही, और आके बोली बैठा के है अपना दिल बहला दे, एक मिनट ना लावे जाए रोए काट के टिकट दिखा दे। मैं बोलिया गलती होगी जमा टूल गया, मन ने माफ कर दे बेबे टिकट तो मैं घर आए भूल गया, बोली माफ करने की बात नहीं अपना फर्ज निभाऊंगी, तू तो रुपये 1100 काट ले मैं तेरी पर्ची बनाऊ। मैं बोलिया पर्ची बनाने की जरूरत नहीं अपना दिल बहला दूंगा, ए बोली तने 2100 का मजा आ जाएगा, ऐसा चुटकला सुना दूंगा। मन ने चुटकला सुना दिया भाई जमा मरोड़ दिया, उसने मेरे पे दया आ गई मैं रेल में छोड़ दिया, छोड़ के दिया भाई जमा सता गया, आ
आध घंटा भी नहीं लग गया वो चाचाड़ा अड्डा भी आ गया, आके गया भाई जमारे गया गोज में टिकट थी जाके जहाज में सीट पे बैठ गया। इतने में देखा जमालल चाण लागरी हाय ताऊ एक अंग्रेजन खुले बाल काले चश्मे मेरे कानी आन लागरी हरा के बोली बदतमीज कैसे रेठ गया तू है कौन कड़े का जो मेरी सीट पे बैठ गया। मैं बोला फालतू बात ना करिए जमालल कार दूंगा मैं हरियाणा का झंडू हूं तेरे गुस्सा मार दूंगा बॉलीवुड गुस्सा। मैं बोलिया गुस्से की बात नहीं जमा टूल जेगा तेरे ईसा गुस्सा मारूंगा तेरा मुंह गुलगला पर का फूल जेगा। मन ने यह बात कही बे जमा सता लिए आकाश में को जात जान लाग रहा इशारा करके चार फौजी बुला लिए बुला के लिए बे जमा सता लिया बोलिया तू अंग्रेजन ने तंग कर है चारू फौजिया ने जहाज में ऊपर उठा लिया ठा के लिया बे जमा रेड़ दिया आकाश में खोलिया गेट में तो बाहर गेड़ दिया गेड़ के दिया बे जमा लसकी अच्छी मेरी किस्मत जहाज की पाती में मेरी धोती फंस गई फंस के गई बे जमा नाटे निर्मय बोझ गणार मेरी धोती दड़ दड़ पट मैं बोलिया होगा जुलम जमा डरेगा हाय रे झंडू इतनी ऊपर तपड़ के बेरा नहीं करे मरेगा। यह बात सोची बे जमा रूठ गई मारे मेरे मुंह कदर लगी झटकी वह जहाज की पाती टूट गई टूट के गई बे जमा दड़ गया आची मेरी किस्मत जाके गांव में जोड़ में पड़ गया पड़ के गया बे जमा साजली लुगाई मैं सुनो आना रही थी ऊट का बाजली बोली ये भगवान बचाइए जमा सतावेगा यो दिने में की साजी नौर आ गया सारी लुगाइया ने खावेगा। यह बात कही बे जमा लिपट गया मेरा भी नाम चंडू है मैं इसके पुंजड़ के चिपट गया चिपट के गया बे जमा रूठ गए किनारे चंदे मेरे भी हाथ छूट गए छूट के गए बे जमा टुलगी है तेरी का सपना देखू दमरी तो है खुल गई एक बार जोरदार तालियां और आइए फिर से आपके बीच में आगामी प्रोग्राम गुरुदेव को समर्पित किया। और अब राजेंद्र जी पानीपत से मैं निवेदन करती हूँ राजेंद्र जी पानीपत से जो है वो प्लीज मंच पे आएंगे और जैसे आप मंच पे आ रहे हैं हम धन्यवाद करना चाहते हैं यूपी के हर क्षेत्र हर गांव से पधारे हुए सदस्य का जीएसटी परिवार में जितने भी लोग नरोटा से आए हैं सहारनपुर से आए हैं मेरठ से खिवाई से सरदाना से शाहपुर मुजफ्फरनगर शामली
और बरौट, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, सुरई, छपोली, गोघाट, सबको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। यूपी का बहुत सपोर्ट रहा है, जीएसपी परिवार में आपका धन्यवाद है और फिर से अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं जीएसपी परिवार के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया, इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। हमें पूज गुरुदेव का पानीपत का चतुर्मास की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने आगमों में सुना, हमारे तीर्थंकर भगवान जब नगरी में पधारते थे, समोसन लगता था तो दुनिया, जनता और भक्त उमड़ उमड़ कर आते थे, तो वही नजारा पानीपत के प्रवेश का, 5-6 हजार भक्तों की विशाल जनमेदनी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऐसे झूमती हुई जा रही थी जैसे कोई समोसन लग रहा हो गांधी मंडी के प्रांगण में। और पूज्य गुरुदेव अगुवाई कर रहे थे, तो वो भव्य नजारा हमारी स्मृति की पटल पर है। उसके बाद पूज्य गुरुदेवों का पानीपत पधारना हुआ और हमारा गांधी मंडी का जो विशाल भवन है, जैन स्थानक का हाल, जिसमें हमेशा दरिया बिस्ती थी वो दरिया उठ गई और स्मायक वालों की लंबी कतारें उस प्रांगण में लग गई। समय कम है, समस्त्री महापर्व पर 1700 पोषित होना पूरे उत्तर भारत में कहूं या संपूर्ण भारत में कहूं एक इतिहास होगा। और पर्युषण पर्व पे लगातार 8 दिन जो रौनके रही वो अद्वितीय रही, बेमिसाल रही। और रविवार का जो नजारा, जो हमारा बाहर पंडाल लगता था, वो ऐसे लगता था जैसे दीक्षा का कोई समोसन हो, वो भव्य नजारा हमें देखने को मिला। मैं ज्यादा शब्द ना कहता हुआ उन्हें यही कहूंगा कि वो सारे नजारे हमारे इस स्मृतियों पर हैं और वो इतिहास के पन्नों पर अंकित हो चुके हैं। दो शब्द गुरु महिमा में कहूंगा, ये गुरु खुद ही करते हैं अपने भक्तों की निगरानी, ये गुरु खुद ही करते हैं अपने भक्तों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, जब तेरे सिन सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। अरे भक्तों, जब तेरे सिन सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो योगी राज गुरुवर पर छोड़ देना ओ खुदा के बंदे। जब तेरे सिन सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो योगी राज गुरुवर पर छोड़ देना ओ खुदा के बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, जो तुम न कर सके उन्हें गुरु महाराज करेंगे, उन्हें गुरु महाराज करेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। का प्रोग्राम है, एक लाजवाब प्रस्तुति है, वो जरूर देखें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस होगी। तो गिद्धे की वो परफॉर्मेंस थोड़ी देर के बाद आपसे हम शेयर करेंगे, पहले लकी ड्रॉ के मैं कूपन, लकी ड्रॉ के कूपन, जितने लोग भी भोजन कर रहे हैं आपका भी ध्यान जरा इन नंबर्स की तरफ हो, 5-6-3-3-5 5-6-3-3-5 कैसे करूं मैं वंदना, सुर है ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी, मेरी लाज रखो महाराज, सारे तीर्थ थाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ थाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव
हमारा हर युवक सब कुव्यसन से मुक्त है,
जहाँ पर भी है अपनी समाजों का अभिन्न अंग बनकर समाजों की सेवा कर रहा है, गुरुओं की सेवा कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव को ये युवा प्रेरक शब्द क्यों मिला, क्योंकि गुरुदेव युवकों को विशेष प्रोत्साहित करते हैं। गुरुदेव से सानिध्य बढ़ा, जहाँ भी जाते नई बातें सुनने को मिलती। कोई कहता ये तो गुरु सुदर्शन की मूर्त है, सभी की बातें सुना करते और गुरुदेव के सानिध्य में रहा करते। मन में विचार चला, मन में ख्याल आया, उत्तर पूरे उत्तर भारत में सराहा है, पूरे उत्तर भारत के गुरु भक्तों की जबान पर है। तो मैं चाहूंगा हाथ लाकर सभी ने उत्तर किया, गुरुवर की इन गुरुदेवों की चरण से हमें मिलती रहे, इन्हीं शब्दों के साथ जय जय। कपिल जी के बाद हम लुधियाना से पंकज जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। केवल दो लोगों को हम इनवाइट करेंगे, उसके बाद गिद्धे की परफॉर्मेंस होगी और वो हमारी फाइनल परफॉर्मेंस होगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस गिद्धा आपके सामने कुछ ही मिनटों की प्रेरणा से। सन 2015 में चतुर्मास के बाद जब पहली मीटिंग गुरु सेवक परिवार की हुई तो वो हैबोवाल जैन स्थानक में हुई, और आज गुरु सेवक परिवार के इस स्वरूप को देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी शुरुआत हैबोवाल से हुई आज वो परिवार कितना बड़ा हो गया है। मैं दो लाइनें भजन के रूप में बोलूंगा। नवकार मंत्र बोलो तुम दिल से बार बार, नवकार सवाल दीवाने का कि अगर समझ में आ जाए तो इन भक्तों को समझाने का कि हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का, और गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का, और गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। और जो जो मेरे गुरुदेव को अपनाना चाहता है मेरे साथ मिलकर भक्ति करते हैं, वो गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने। वो अरुण गुरु जी सुनियो जी एक सवाल
छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं जो मेरे घर पे लगी आते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं जो मेरे घर पे लगी आते, जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं जो मेरे घर पे लगी आते। अब इतना बतला दो गुरुवर, अब इतना बतला दो गुरुवर, कैसे तुम्हें मनाने का, गुरु तेरा का फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा का फर्ज नहीं भक्तों के घर आने। और क्या कहते हैं गुरुदेव से, ओ आस लाएंगे हम मुरादे लाएंगे, आस लाएंगे हम मुरादे लाएंगे, ओ भर दो भर दो, ओ भर दो भर दो झोली भर दो, हम तो झोली लाए हैं, भर दो भर दो झोली भर दो, हम तो झोली लाए हैं। अगला नंबर है 56879, 56879। नेक्स्ट नंबर इज 56244, 56244। अगला नंबर है 56048, रिपीट कर रही हूँ 56048, 56054, 56054। और हिदे के बाद लेमन फ्लेवर। जगो संग तांदी आई बीबी जी महाराज का, जगो संग तांदी आई बीबी जी महाराज का, नावे गली गली भगताई बीबी जी महाराज का, जावे गली गली भगताई बीबी जी महाराज का, दीवा जगा के दरिया बेड़ा चांदन में नल पर
Okay.
ये सभी बच्चे नाम ले पूरे प्रवास में गुरुदेव की अगवानी करें और आज मयूर विहार सारे गुरुदेव को अलावा हमारे इस प्रोग्राम में मेरे से दिनेश भाई से या जो भी यहाँ कार्य कर रहे थे किसी से भी कोई गलती हो गई हो तो मैं और सभी की तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ, चाहे वो स्टॉल की स्टॉल देने में हो या कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस का हो, किसी से भी कोई शब्द गलत बोला गया हो, कोई बात गलत कही गई हो, मैं उन्हें सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। आगम को बुला के उसको नाम दिया जाए। अच्छा भजन गाता है। ठीक है, तो जिन्होंने आज यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं वो अपने स्टॉल पर कृपया लौट जाए। गुरुदेव ने मुझे एक बार हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि इस वार्षिक सम्मेलन को ग्रैंड सक्सेस आप सभी की उपस्थिति ने मनाया है, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं इस परिवार से जुड़ने के लिए। और अब ये 4 साल का बच्चा मंच पे आया है, कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, आइए इससे सुनिए। नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो नमः सर्वे सावनम, ऐसे पंच नमो करो, सर्वे पाप नाशनो, मंगल रंजन सर्वे सिंह, पनामाय मंगलम, चितारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सात मंगलम, केवली पनस्तो धम्मो, लोगत्मा चितारी, लोगत्मा हरिहंते, लोगत्मा सिद्धे, लोगत्मा साहो, लोगत्मा केवली पनस्तो धम्मो, शन्न पर्यामि, केचा आसन्ने आनंद कन्ने तो फन्ने, मत्थे गुदे। हर थर धन्यवाद। और चलते चलते फाइनली एक बार सभी मिलकर कहेंगे हर्ष हर्ष बहुत धन्यवाद। जूही मल्होत्रा आपसे विदा लेती हूँ इसी आशा के साथ कि फिर से इस परिवार में आने का मौका मिलेगा। गुरुजी की प्रेरणा से जो ये काम शुरू हो गया ये कभी ना रुके और हम सब ऐसे ही चलते रहे, एक दूसरे को सहयोग देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेमन ट्री, उससे पहले आई थिंक हम सभी ने कहीं ना कहीं चेकआउट किया होगा, अब हमने ये डिसाइड किया है कि आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे पास, बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट आइटम्स हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ हमें स्टेज के पास आके ज्वाइन कर लो, जिनको भी गिफ्ट लेने हैं, और थोड़ा सा गेमिंग सेशन होगा, बहुत अमेजिंग। और जो गिफ्ट्स हैं आप सभी को बताऊँ, बहुत अमेजिंग गिफ्ट्स हैं, गुडीज़ हैं आप सभी के लिए लेमन ट्री की ओर से। और ये जो लेमन ट्री की जो हमारी शोरूम है वो करोल बाग में है और हम डील करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्टफ से जो घर को सच में बहुत ही खूबसूरत बनाती है। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, जिनको भी गेम्स खेलने हैं वो मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। एंड मेरी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है, लेमन ट्री की टीम मेंबर से, कि वो गिफ्ट लेके यहीं पे आ जाए, बिकॉज यहाँ पे ही लोग आ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी बच्चों से। सो कौन बच्चे हैं जो यहाँ पे गेम्स खेलना चाहेंगे? राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड, 10 साल के बच्चे, बस बस बस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, 10 साल के ऊपर के बच्चे, जल्दी से, कम ऑन कम ऑन, लेकिन और जो बीच में रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे, तो बीच में नहीं रहना है। ओके, और हमारे गिफ्ट बिल्कुल रेडी है। सो आपको करना ये है, फ्रूट्स के लिए या वेजिटेबल्स के लिए बोलने हैं 10 सेकेंड से 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक, हार्डली 1 मिनट तक बिना रुके हुए। आप जैसे ही पॉज लोगे मैं माइक दूसरों को दे दूंगी, ठीक है? डन, रेडी, एक बार ताली बजा के दिखाओ आप लोग रेडी हो एवरीवन। ओके ग्रेट, या तो मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं लेना है, रुकना नहीं है, ओम नहीं करना है, सबको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, या तो फ्रूट्स नेम बोले हैं या तो वेजिटेबल नेम बोले हैं, लेकिन रुकना नहीं है, आप जैसे ही रुकोगे मैं किसी और को माइक दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपसे, कम ऑन गो, नाम बताना आपका। ओके, हम पर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पर भैया ही गो, कम ऑन, पर इज विल। ओके, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं यू नो डायरेक्ट वहाँ के माइक लेके जाऊंगी और आपको नाम नहीं बोलना, आपको बस रुको, मैंने गेम कहा है वो करना। ओके, सो नाम नहीं बोला, कम ऑन, कीवी, ऑरेंज, पपाया, नो, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, लीची, बनाना, फिर दो सो गए, प्लीज, क्या बात है, ताली हो गई। क्या नाम है आपका? अरिहंत के लिए एक बार जो स्टोर है हमारी, जो शोरूम है करोल बाग में, एक बार आके जरूर विजिट करें, बिकॉज एप्पल, बनाना, पाया, नो,
कैमरा देख के हम बुझे अच्छा जी अच्छा जो नहीं बनाना पपाया एप्पल बनाना मैंगो एप्पल बनाना मैंगो आज की शाम के लिए आज के दिन के लिए ही बल्कि आने अब भी करोगे एप्पल मैंगो बनाना कीवी लीची रजत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एडवांस कमाओ आलम फ्रेंड के लिए जोरदार तालियां हो जाए जितने 10 साल से छोटे बच्चे हैं सारे नीचे जाएंगे 10 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं आप प्लीज नीचे ले जाएं और आप भी जितने भी छोटे ओके और डायरी यहाँ समझे जाना तालियों के साथ में सारे बच्चे अपना बेच दे रहे सैमसंग लेनोवो ओप्पो एप्पल वीवो लावा और सारी कंपनीज के नाम बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो फोन की हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओके चलो तालियां हो जाए के लिए नेक्स्ट कौन है बेटे सामने सामने ओके चलो जल्दी जल्दी बोलना है कम ऑन ओप्पो वीवो सैमसंग एमआई आईफोन एक्स आईफोन एक्स नहीं आईफोन वो सीरीज है ओके क्योंकि आपको एक गिफ्ट मिलता है क्योंकि आपने आईफोन एक्स का नाम लिया जोरदार तालियां बजाएं इसे कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू राइट थैंक यू सो मच ओके नेक्स्ट प्लीज ओप्पो वीवो शाओमी सैमसंग लेनोवो पैनासोनिक एलजी डेल एचपी तालियां बजाएं प्लीज और सबसे बच्चे ओपन वीवो से यू नो स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है चाया बट स्टिल इट्स अ काइंड रिक्वायरमेंट कि थोड़ी इंडियन कंपनीज के बारे में जान लो आप सभी से रिक्वेस्ट है ओके ओके नेक्स्ट प्लीज सैमसंग वीवो ओप्पो आईफोन थैंक यू जो जो तुम खाली हो जाए तालियां 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 स्पेशल तालियां ओके वीवो ओप्पो एमआई सैमसंग पैनासोनिक आईपैड आईफोन क्या नाम है आपका और आपने दोनों साइड गेम खेला क्या बात है कितने साल के हो क्या बात है प्लीज तो बहुत तालियां हो जाए बच्चे के लिए ओके ओप्पो वीवो सैमसंग जेबीएल जाता वोल्टास रोनाल्डो फैंडस क्या बात है भाई एक और गेम होना चाहिए कम ऑन ओप्पो वी आई ओके ओप्पो वीवो ओप्पो वीवो सब स्टार्ट बेटे दर बेटे दर सैमसंग वीवो ओप्पो नेपोलियन डेपन एलजी ओके हेलो ओके हाँ जी हाँ जी आप इधर अंदर सही ना आधा पॉइंट ओके आ रहे हैं सब कुछ ओके ओप्पो वीवो सैमसंग एलजी ठीक है पैनासोनिक लावा एमआई एल एम आई ओप्पो वीवो आईफोन डे एच पी ओके एल जी ओप्पो वीवो सैमसंग आईफोन आईपैड बस ओके ओके थैंक यू सो मच एंड इस टाइम फॉर द लेडीज उसके बाद हम फॉलो करेंगे ऑल द मेन मेंबर्स ऑफ दिस टाइम ऑब्वियसली जेंट्स भी के लिए उनके लिए बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट है लेमन ट्री की ओर से लेकिन अभी इनके भी लेडीज लेमन ट्री की ओर से आपको यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट आइटम मिलने वाले हैं नारी शक्ति एक अलग ही बात होती है उनकी तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर होता है कि वो हमें करना चाहिए वो टैलेंट कहते हैं उसे यू नो स्पेशल स्किल सो किसी को डांस करना अच्छा लगता है उस टाइम आई थिंक सभी ने कहीं ना कहीं डांस जरूर किया होगा लेकिन हमें तालियां हो जाए बिकॉज शी इज लुकिंग वेरी एक्टिव बहुत ही एक्टिव लेडी है और सच में नारी शक्ति को बहुत बहुत सो हमारे देश की पहचान है नारियां और नारियां खुद की तालियां जरूर बजाएगी पहले सभी एक बार जोरदार तालियां तमाम लगे सभी जोरदार तालियां भाई नारी हमारे देश की पहचान है सबसे पहले ओके ओके हेलो गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज तन रोल से कुछ न मांगू जो रू दो लोहा मेरे गुरु महाराज गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज हलवा पूरी मैं ना मांगू चाहे हो दारवा ते हलवा पूरी मैं ना मांगू होए चाहे दानवा ऊपर की डर लगा दे हो जय मेरा पार मेरे गुरु महाराज मेरे
शॉर्टेज है, लेकिन आपके लिए ये थैंक्स प्लीज सर प्लीज यमुना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले उन्होंने तो जाए यमुना जी की ओर से आप सभी के फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओके सो नेक्स्ट कौन आ रहा है, एक मिनट। हम जैनी अपना धर्म जैन इतना ही परिचय केवल हो, हम यही काम